सर आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मैं भदोही गोपीगंज से हूँ। तो सर क्या कुछ इस बारी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं इंडिया एक्सपो में? जी जी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं और कुछ फॉरेन बायर्स भी आए हैं लगभग 200, तो कल से ही काफ़ी अच्छा चल रहा है। सर ये आपका पहली बार है या फिर इससे पहले भी आप इंडिया एक्सपो में आते रहे? नहीं नहीं, कई बार, पर लगभग ये 12-13 साल हो गए। तो सर 12-13 सालों में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक आपको मिली हैं, खास करके आपके व्यापार की ग्रोथ के लिए? एक प्लेटफॉर्म पे सारे बाहर से आ जाते हैं, ट्रैवलिंग कम करना पड़ता है, ये अपॉर्चुनिटी लगती है, और बाकी सब लोग यहाँ हैं, बिजनेस काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। सर कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद रहा, लॉकडाउन रहा, और ना ही कहीं एक्सपो हो पा रहा था, ना ही कहीं इवेंट, तो इस एक्सपो से खास करके 2022 में क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? काफ़ी उम्मीदें हैं, और बायर्स आए हुए हैं, काफ़ी जो सीरियस बायर हैं वही आए हुए हैं और ऑर्डर दे रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, होप अच्छा होगा। तो सर जो पीएम मोदी का जो सपना है कि 400 बिलियन का जो टारगेट था इस साल का, वो कहीं ना कहीं कार्बन इंडस्ट्री ने पूरा कर लिया है? हाँ, लगभग कर लिया है। मोदी जी बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे वीवर्स के लिए भी है, सेंटर्स खुल रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी से। गवर्नमेंट जो आपके लिए जो कदम उठा रही है उससे आप काफ़ी खुश हैं? जी जी। और कोई चीज़ सर जो आप बताना चाहें खास करके अपने बिजनेस? नहीं, अच्छा है, अभी तो कस्टमर्स हैं, हम लोग बिजी हैं, तो कभी बाद में आइए फिर बात करते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा है, बायर्स अच्छे हैं, और होप कि अच्छा बिजनेस हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।